सब गाइस स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ बैटमैन आर्कहम ओरिजिन्स गेम इन माय लोवेन लैपटॉप जो i3 8th generation और इंटेल H6 20 एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ बैटमैन आर्कहम ओरिजिन्स गेम और दिखाऊँ कि आप लोगों को मुझे कितना पिक्स मिलता है इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपको भी मेरे जैसा सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC लैपटॉप है तो आपको कितना पिक्स मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और गाइस अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन जो है कमेंट करना है, कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पिक्स मिल सकता है इन योर स्पेक्स इन दिस। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक्स सीरीज की, कौन से ग्राफिक्स सीरीज में मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है वो 1280x720 रखा है, वीसिंग मैंने ऑफ रखा है, एंटीलेजिंग ऑफ रखा है, जियोमेट्री नॉर्मल है, डायनामिक शेडोज ऑफ है और भी जो सेटिंग्स देख सकते हो सब कुछ मैंने ऑफ करके रखा है। तो सिंपली 720p लो सेटिंग्स पे मैं इस गेम को टेस्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना फीस मिलता है इन दिस गेम। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पे। अभी जो मुझे FPS देखने के लिए मिल रहा है इन दिस गेम 32, 39, 40 का FPS, 41 का FPS, 42, मतलब बोल सकते हो मुझे गेम की शुरुआत में मुझे जो FPS देखने के लिए मिल रहा है वो अराउंड 35 टू 40 प्लस की FPS मुझे गाइस गेम पे देखने के लिए मिल रहा है, जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा FPS इस गेम में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब 40 टू 40 प्लस जो है FPS जा रहा है, तो ऑब्वियसली FPS इज़ वेरी वेरी गुड। तो गाइस बात कीजिए इस गेम के ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन जो है इस गेम का काफ़ी अच्छा खासा किया गया है, क्योंकि गेम में मुझे आराम से जो है 40 के करीब FPS जा रहा है और कभी कभार तो 40 प्लस FPS भी जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो किया गया है ऑप्टिमाइजेशन वो मैं बेस्ट कहूँगा, काफ़ी अच्छा खासा जो है ऑप्टिमाइज किया गया है गेम को। लिटरली गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से मैं इस गेम को खेल सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम गाइस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन के दिल से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहूँगा, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन में जो है गड़बड़ नहीं है। एंड गाइस अगर आपका भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा इन दिस गेम। एंड अगर आपका उससे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन जो है कमेंट करना है, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। बट गाइस अगर आपके पास इंटेल HD का भी ग्राफिक है, इंटेल HD मतलब जो लो सबसे ग्राफिक है विथ 4GB रैम भी है, तो भी आप लोग इस गेम को जो है खेल सकते हो आराम से, आपको कोई भी जो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से इंटेल HD ग्राफिक्स विथ 4GB रैम भी इस गेम को आराम से खेल सकते हो। अगर 8GB रैम है तो आपको बहुत बढ़िया FPS मिलेगा, 4GB रैम में थोड़ा सा छोटा मोटा जो है लैगी वगैरह मिले, बट जो है 8GB रैम इंटेल HD ग्राफिक्स में आप बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को जो है खेल सकते हो। बात कीजिए इस गेम के बारे में, तो एक्चुअली ये जो गेम है मतलब बैटमैन की बहुत सारा गेम है, बैटमैन आर्कहम एसिलूम सिटी, वो इसमें भी मतलब वो जो बैटमैन का हर एक गेम बहुत ही बढ़िया है और वो भी ये गेम भी जो है काफ़ी एक बहुत बढ़िया गेम है। इसका स्टोरी लाइन वगैरह, इसका फाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, स्टोरी काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को मुझे लगता है ज़रूर ट्राई करना चाहिए बैटमैन आर्कहम ओरिजिन्स को। ये हो सकता है थोड़ा सा ये अंडर रेटेड है, मतलब बैटमैन गेम में थोड़ा सा अंडर रेटेड गेम है इसको बोल सकते हो, लोग थोड़ा आर्कहम एसिलूम आर्कहम सिटी ये जो गेम को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उसका स्टोरी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बट ये जो गेम है इसका स्टोरी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। बात कीजिए ग्राफिक क्वालिटी के बारे में, तो एक्चुअली ये बहुत तो नया गेम नहीं है, तो ग्राफिक क्वालिटी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्राफिक क्वालिटी बेस्ट है या फिर ऐसा कुछ है, ग्राफिक क्वालिटी जो है ठीक ठाक है, गुड है, लो में कि मैं खेल रहा हूँ और लो में उतना ज़्यादा जो है बुरा क्वालिटी नहीं है ग्राफिक का। तो ओवरऑल गेम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी वगैरह ग्राफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और गेम का साइज़ भी बहुत बड़ा साइज़ जो है नहीं है, अराउंड 15GB के अंदर ये जो है गेम आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम गाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा गेम पे। आप बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को जो है खेल सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पे। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक बैटमैन फ़ैन हो, बैटमैन फ़ैन बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो, तो आपको ज़रूर इस गेम को ट्राई करना चाहिए आपके PC पे, आपको मज़ा आने वाला है। लिटरली गाइस मैं ऐसा कुछ भी बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली आपको मज़ा आने वाला है ये गेम खेलने में। ऑब्वियसली बैटमैन फैन हो तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ इस गेम को। लिटरली गाइस ऑल्सो दिस गेम इज़ प्लेबल ऑन Intel 620, आप Intel 620 पे बहुत अच्छी तरीके से इस गेम को खेल सकते हो विथ 40 to 45 प्लस FPS, कभी कभार तो 50 FPS भी जा रहा है, मतलब नॉर्मली 30-35 प्लस FPS कोई गेम में लो एंड PC में चला जाए तो वो हमारे लिए मोर देन एनफ होता है, और इसमें तो 40-45 प्लस जा रहा है विद गुड स्टोरी, गुड गेम प्ले, सब कुछ ही साथ। तो मैं मुझे लगता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप खेल सकते हो उनको, एंड ऑब्वियसली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपको ट्राई करना चाहिए लिटरली गाइस। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, वीडियो आज के लिए इतना है, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर देना चाहिए और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं वीडियो तक के लिए, बाय गाइस।